पेपर क्रैक करना है, लेकिन इसी अपेक्षा के साथ आपके साथ कई लाख विद्यार्थियों ने आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म डाला था। किस उम्मीद के साथ? पेपर क्रैक करना है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि पेपर क्रैक करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सही दिशा और दशा दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए जो सबसे जरूरी है वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। जी हां, मेरा नाम है अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद है मेरी आवाज बुलंद तरीके तक आपके दिल दिमाग और मस्तिष्क में पहुंच रही होगी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिसके लिए हर बच्चा परेशान रहता है, दैट इज द स्टडी ऑफ सिलेबस। आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या, आपका जो पाठ्यक्रम है वो है क्या। और जिस दिन आपको ये पता चल गया सही ढंग से कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, उसी दिन आप ये मान के चलना कि आपकी 30% समस्याओं का समाधान हो चुका है, 30% सिलेक्शन में आने वाली बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, दो ही बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है जो पेपर क्रैक करने के लिए जरूरत होती है उसे बोलते हैं एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण। किस बात का विश्लेषण सर? इस बात का विश्लेषण कि आपकी परीक्षा जिसके लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, जिसके लिए आपने सपने देखे हैं, जिसके लिए आपके माता पिता ने आपके लिए सपने देखे हैं, वो उसका एनालिसिस कैसे करना। उसका एनालिसिस इस बात पे करना है कि आपको सबसे पहले तो यह समझना है कि परीक्षा के पाठ्यक्रम का प्रारूप क्या है, फिर उसका विश्लेषण इस प्रकार से करना है कि यह ध्यान दीजिए कि उसमें आने वाले प्रश्न किस प्रवृत्ति के हैं, किस नेचर के हैं। अगर इन बातों को आपने एक बार अच्छे से समझा मेरे दोस्त, तो यह मानो कि 20% आपकी और समस्याएं खत्म होगी। केवल इन दोनों चीजों से आपकी 50% समस्याएं सिलेक्शन की दूर हो जाती है। और सबसे ज्यादा गलतियां बच्चों के द्वारा केवल इतने में ही होती है, पढ़ना है पढ़ना है, क्रैक करना है क्रैक करना है, पेपर आ गया है पेपर आ गया, पढ़ाई करनी। अरे क्या पढ़ना है तुमको? तुम्हें पता है तुम्हें क्या पढ़ना है? सर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, सर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। पेपर देने जा रहे हैं ग्रुप डी का या पेपर देने जा रहे हैं एसएससी का, पढ़नी ज्योग्राफी है तो उठा के पढ़ रहे हैं यूपीएससी वाली ज्योग्राफी। कोई सेंस है? कोई सेंस है इस बात का? नहीं है। इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है किसके लिए? एसएससी के लिए, एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़नी है। लिटरेचर पढ़ रहे हैं, क्या होगा? कल किसी ने सर बोला था वो कैब स्ट्रांग हो जाएगी, कद्दू हो जाएगा। उन चीजों को ध्यान दो जो वाकई में आपके पेपर के लिए आते हैं। वो कैब स्ट्रांग करनी है न्यूज़पेपर पढ़िए, वो कैब स्ट्रांग करनी है जो आपकी पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, जो आपके सिलेबस की किताबें हैं उनसे निकाल के पढ़िए। डिक्शनरी उठाइए जिसमें नई दिक्कत आती है, जिसमें दिक्कत आ रही है उनको उठा के क्लियर करिए। यह होता है एनालिसिस। मैथ पढ़नी है, तैयारी कर रहे हैं रेलवे की ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की, लेकिन मैथ इनको जानते हो कौन सी पढ़नी है? मैथ पढ़नी है इनको एसएससी सीजीएल लेवल के एडवांस मैथ का हिसाब करना है। क्यों करना है इतना? आप ये बताओ आपके पास क्या इतना समय है? खुद से सोचो क्या इतना समय है तुम्हारे पास कि तुम अपना समय इस तरीके से वेस्ट करो? अगर नहीं करना चाहते हो तो समझो क्या करना है। मैं आपको इसीलिए यहां पर लेके आया हूं कि मैं आज आपके साथ उन पुस्तकों को साझा करता हूं जो कि आपके आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपके लिए अमृत होंगी, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए अमृत होगी, खास तौर पर मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए कौन सी किताब पढ़नी है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली किताब जो आपको पढ़नी है, अगर आप चैप्टर वाइज किसी चीज को मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूथ पब्लिकेशन की इस किताब को पढ़ना है सबसे पहले। सबसे पहले अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो यह किताब आपके लिए रामबाण होगी। और जानते हैं इससे दो फायदे होंगे, ये किताब सबसे पहले तो रामबाण होगी और दूसरी इससे दो फायदे क्या होंगे? पहला, जिन बच्चों की समस्या होती है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी बाकायदा, इस बात के साथ कि कौन सी एग्जाम में किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसके साथ इसकी जो अनुक्रमणिका होगी शुरुआत में उसमें ये सारी चीजें बाकायदा बार ग्राफ और पाई चार्ट के साथ दी हुई है आपको। या तो ये किताब पढ़ लो, जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, सुनिएगा ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, खत्म करूंगा थोड़ी देर में, जिनको प्रैक्टिस करनी है उनको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आप किताब लीजिए इसको, प्रीवियस ईयर पेपर है सॉल्व करने के लिए लगातार,
इसमें चैप्टर वाइज नहीं मिक्स मिलेगा। रुक्मणी पब्लिकेशन, रेलवे की गणित, एक दो वॉल्यूम आ गए अभी इसके मार्केट में, तमाम वॉल्यूम आएंगे। पहले केवल यही वॉल्यूम आया था 3200 का, अब से एक 2700 का वॉल्यूम और आ गया, वॉल्यूम 2। जिस चीज को पढ़ना है कम से कम उसके विषय में थोड़ी तो जानकारी ले लो। कहने लगे कि वो बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हैं, सांप के बिल में हाथ डाले दे रहा तो सांप डसेगा ना मेरे दोस्त, और डसेगा तो मरोगे, सिंपल सी बात है। अब इन किताबों को लगाने के बाद सर हमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने, थोड़े हार्ड क्वेश्चन करने हैं, इसमें तो बहुत लोले लोले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसा होता है, आता है मन में, समझते हैं, आपकी उम्र में ये चीजें आती हैं। सर सरल क्वेश्चन करा रहे हो, कठिन क्वेश्चन कराओ, तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपको इस किताब का सहारा लेना पड़ेगा, जिस किताब का नाम है क्या, SSC अंक गणित। इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों आपको दिए हुए हैं, ठीक, चैप्टर वाइज भी है ये, टाइप वाइज भी है। इसको लगाइए, केवल ये तीन किताबें, अगर हालांकि इसकी जरूरत, ये अपडेटेड वर्जन है 2021 का, वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपके लिए, वो दोनों किताबें काफी हैं, लेकिन फिर भी अगर उन दोनों किताबों को अच्छी तरीके से करने के बाद आपको ये लगता है कि आपको कुछ और चाहिए तो आप इस पे जाइएगा, अदरवाइज इस पे जाने की जरूरत नहीं है। वो दो किताबें रेलवे RRC ग्रुप डी के लिए पर्याप्त है। PhD मत करिए किताबों में, KRS अग्रवाल भी लगाएंगे, SD यादव भी लगाएंगे, राकेश यादव भी लगाएंगे, CGL के लिए और अन्य किताबें होंगी, महेश मिश्रा भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, लूसेंट भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे, सब लगाएंगे। PhD मत करो, एक किताब लगाओ, अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसी यही संदेश लेकर मैं आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ था, किताबों में PhD ना करें, मुद्दे की किताब पढ़ें। धन्यवाद, बाय बाय।